जो कि भाई नया टेस्ट करिए अभी स्किट्स पहन लिए मेरी बारी आई। हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है सभी के। स्वागत है आप लोगों का एक और मेरे ब्लॉग वीडियो में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 5:30 के आसपास और मैं आ चुका हूँ एक और नया ब्लॉग लेके अपने घर से। भाई पास में एक जगह है जहाँ पे हम स्केटिंग की अपनी प्रैक्टिस करते हैं, फिलहाल वहीं पे आए हुए हैं और अपनी स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सोच रहा था अपना जो ब्लॉग है मैं घर से ही स्टार्ट कर लूँ, पर हम थोड़ा वहाँ से निकलते निकलते ना थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने सोचा चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे कर रहे हैं हम प्रैक्टिस और आप लोगों को दिखाता हूँ प्रैक्टिस की क्या जगह है, कितने स्केटर हैं। अब ना हमारे पास थोड़े स्केटर भी भर चुके हैं, हमारे स्केट सीखने वाले भी थोड़े आ चुके हैं और अपने जो भैया थे उन्होंने भी नए स्केट परचेज कर लिए, 2 दिन हो गए उन्हें परचेज करे हुए, फिलहाल कोई अपडेट था नहीं तो आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो भाई एक ये अपना दोस्त है जो कि भाई नया सीखने आया है और सीख रहा है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, काफ़ी हद तक सही कर रहा है वैसे तो। और भैया तो भाई अपने प्रो हो चुके हैं, मतलब प्रो होने के लेवल पर हैं। और ये रहे भैया के स्केट्स, तो बहुत बढ़िया करो भाई। फिलहाल यहाँ पे प्रैक्टिस अब भी, पर ये दोनों चला रहे हैं और मैं तो भाई ऐसे ही अपना फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, कोई दे नहीं रहा प्रैक्टिस करने के लिए मुझे। पर कोई बात नहीं, पहले ये कर लेंगे फिर उसके बाद मेरा टर्न आएगा, मैं भी करूँगा। और कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे, पहले ना हम शाम के टाइम में आते थे भाई 3 से 4 बजे, 3 बजे निकल जाते थे अपने घर से और भाई इतनी ख़तरनाक धूप निकलती थी ना, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग हो जाता था। तो हमने सोचा कि भाई चलो सुबह करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं सुबह, काफ़ी ये है छाँव छाँव में अपना टाइम भी निकल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस मैंने हाँ देखो भाई लड़के ने अभी 5 मिनट प्रैक्टिस करी है, फिर भी ये बोल रहा है कि चलाऊँ, चल आ जा बाहर आ जा। जो मैंने बताया है उसी स्टेप्स को ध्यान में रखियो, आराम से उठाओगे धीरे धीरे। काफ़ी सही कर रहा है वैसे तो ये नए के हिसाब से। तो भाई भैया तो अपने यहाँ काफ़ी सही प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, वैसे भैया को अभी 1 महीना हुआ है इसका स्केटिंग करते करते। और भैया ने जो अपने स्केट्स हैं भैया के, भाई ये 2 से 3 दिन पहले परचेज करे थे और मुझे और सुनील को बताया भी नहीं था और मुझे भी खुद 2 दिन बाद पता चला भाई अपने भैया ने स्केट परचेज कर लिए। सॉफ्ट वाली फीलिंग होगी एक बार में ये बहुत मतलब अलग आदमी है तो फिलहाल अभी अपने पास 2 स्केट्स हैं और 2 स्केटर हैं, नहीं 3 स्केटर हैं, मैं अभी हूँ वो बात अलग है, फिलहाल अभी है नहीं, अभी स्केट्स हमारे चल रहे हैं प्रैक्टिस पे। तो भाई इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए अभी, फिलहाल ही अपना सेटअप बाहर निकाल रहा है, अभी मैं करूँगा अपनी प्रैक्टिस। अब भाई मेरी बारी आ गई अपनी प्रैक्टिस करने की और अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं और अभी से थोड़ी थोड़ी धूप निकलना स्टार्ट हो गई है और लगभग 8 बजे तक तो भाई ऐसी हो जाएगी यहाँ पे, मतलब रुका भी नहीं जाएगा। फिर अपनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, अच्छा लग रहा है सुबह आके। करूँ मैं स्टार्ट? तो भाई अब स्टार्ट करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो उठ। और भाई भैया तो भाई अपने लगे हुए हैं स्केटिंग की प्रैक्टिस करने पर, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे यार ये, थोड़े काफ़ी तेज़ हो गए। ओहो हो, वाह वाह वाह, क्या मूविंग है, काफ़ी सही है। तो भाई अपनी बारी आ चुकी है, जल्दी सेटअप वेटअप बनाते हैं अपना और करते हैं अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि हमें यहाँ पे लगभग 20 से 25 मिनट होंगे आए हुए, ज़्यादा ही होंगी शायद। तो भाई अभी मैंने अपने स्केट्स पहन लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है स्केटिंग तो भाई अपने को आती है नहीं, अभी तो खाली सीख रहे हैं अभी, हाँ सही बात है ना भाई, सही है। अभी स्केटिंग भाई आती है नहीं, अभी तो खाली सीख रहे हैं, तो देखो भाई स्केटिंग के शॉर्ट्स। वायरलेस ब्लूटूथ वाला वो माइक कितने का आता है? वो 30,000 रुपये का। रोड का यहाँ देखे होंगे तुमने, रोड लिखी होती है उस पर लाल लाल लाइट जलती है। नहीं एक तो वो आता है पफ वाला सा, वो तो वायर वाला होता है, वायरलेस होता है, नहीं वायर का होता है वो, अच्छा मेरे पास है वो तो। एक वो करके आता है, वो ब्रांड वो
कुछ नाम से आता है, वो 800 रुपए का अलावा आता है वो उसमें साइलेंसर वाला माइक है वो साइलेंसर। तो लो जी भाई, लो हमारे साथ साथ एक और स्केटर नया इसी एरिया का, ये भी आ चुका है। आंदो आंदो इस। तो भाई मैं तो अपना अभी रेडी हूँ, अभी स्टार्टिंग करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं। करो भैया स्टार्ट करो यार। भैया यार बार बार रुक जाते हैं, थोड़े स्केटर को देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं भैया यार। अपना हाँ ठीक है, सिनेमेटिक लगा लेंगे भैया। अपने यार एक्सपीरियंस तो शेयर कर दो यार एक बार, कैसी कंडीशन लग रही है, मतलब कोस्को के नए नए परचेज करे हैं, क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल गया? अरे यार तुम भी हिंदू यार, मतलब सही तो लग रही है स्टार्टिंग में, मजे आ रहा है रोलर से, तो रोलर से बढ़िया लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो और मजा भी आ रहा चला, आराम से बस यही है भाई। दो दिन पहले परचेज करे हैं कोस्को के 76 mm वाले, तो अभी तक तो काफी सही रिजल्ट आ रहा है भैया। बहुत बढ़िया, उससे तो काफी अच्छा है रोलर से, अच्छा है रोलर तो से। भाई थोड़ी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ना रोलर इनलाइनर। ठीक है भाई करो स्टार्टिंग, करो अपनी प्रैक्टिस करो। तो गाइस यार जैसे कि आप लोगों को तो पता है ही, अभी तो हमारी खाली प्रैक्टिस कर ली है, तो ज़्यादा कुछ चलाना आता है नहीं, तब तक देखो भाई कैसी अपनी, एक महीना हो गया स्टार्टिंग करते करते प्रैक्टिस करते करते, तो क्या रिजल्ट आ रहा है चेक करो भाई। तो भाई अभी 7:30 बज चुके हैं और भाई धूप भी काफ़ी, मतलब ठीक ठाक निकल रही है, मतलब ऐसी हो रही है प्रैक्टिस, अब ज़्यादा देर होगी नहीं, गर्मी सी लगने लग गई अब तो फिलहाल यार। ये भी दोनों भी यहाँ पे कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, इनके पास ना रोलर वाले स्केट्स हैं और चल रही है मतलब इनकी भी प्रैक्टिस अभी। तो गाइस अभी मैंने तो अपनी प्रैक्टिस कर ली, अभी तो मैं अपने स्केट्स को निकाल रहा हूँ, क्योंकि भैया बोल रहे यार मेरे सिनेमेटिक शॉट्स निकाले थोड़े बहुत, क्योंकि उनको भी अपनी वीडियो अपलोड करनी है, तो फिलहाल अपनी निकालते हैं बाहर और वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह बनाते हैं भैया की, तो चलते हैं अभी। तो गाइस अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कोस्को के 76 mm वाले 76 mm वाले शूज, जो कि मुझे अपने वाले स्केट चलाने से ज़्यादा ना इसमें मज़ा आता है, काफ़ी स्मूथ से चलते हैं और काफ़ी लाइट भी हैं, तो इन्हें अच्छा लगता है मुझे चलाने में। और एक यहाँ पर लगा हुआ है भाई प्रैक्टिस करने, अब तो भाई कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, अब तो अकेले ही लगा हुआ है, काफ़ी सही चल रहा है वैसे तो, चलने दो भाई गाड़ी को। फिलहाल भाई धूप भी काफ़ी ख़तरनाक वाली हो गई है, अभी प्रैक्टिस करी नहीं जा रही, बस थोड़ी देर और 5-10 मिनट और फिर यहाँ से निकलते हैं घर जाने के लिए। तो भाई ये लड़का अभी ट्राई कर रहा है कोस्को के, इसे भी ट्राई करने हैं, बोल रहा भाई ट्राई करने हैं, तो भाई क्यों नहीं करो, अच्छा लग रहा है वो। हाँ
लग रहा कब तक सीख जाएगा बता? एक हफ्ते में? एक महीने में, एक हफ्ते तो नहीं। अरे नहीं, एक हफ्ते में सीख जाएगा भाई यार, काफ़ी सही कर रहा है अभी। इसका जो फर्स्ट दिन है, शायद पहला ही दिन है, सही है। जो स्टेप बताए वही कर, काफ़ी सही है, काफ़ी सही कर रहा है वैसे तो, सीख जाएगा तो एक हफ्ते में। अरे बस एक साल लग जाएगी लग जाएगी एक साल। तो गाइस अभी भाई धूप काफ़ी ख़तरनाक वाली हो रही है, अभी अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, निकलते हैं अपने घर जाने के लिए। अब कल देखेंगे। लो भैया, पर ये सुबह आके हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, प्लस अपना धूप से बच गए। क्यों भैया? सबसे मेन जो भाई धूप है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक वाली धूप पड़ती है शाम को 3 बजे, तो उससे बच गए बस। अच्छा लगा सुबह आके। सुबह ही आ गए, वही बहुत है। फिलहाल चलते हैं घर पे, अपनी भाई पैकिंग वगैरह भी पूरी हो चुकी है, चलते हैं घर। और घर पे जाके भाई अपनी तैयारी वगैरह करते हैं, क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे का मेरा कोचिंग भी है, तो वहाँ भी जाना है। अभी निकलते हैं घर जाने के लिए। तो गाइस अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी घर पे आ चुका हूँ अपने, और सुबह 9 बजे का मेरा कोचिंग है, जो कि मैं भाई कोचिंग जाता हूँ। अभी फ़िलहाल वीडियो होऊंगा कोचिंग के लिए, कोचिंग ले जाना है अभी। और फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।